दोस्तों हम सबको पता है कि महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की कहानी है, जिसका अंत कौरवों की कुल का खत्म होने पर होता है। हम सब यह भी जानते हैं कि शकुनी किस तरह से कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही शकुनी का अतीत जानते हैं, जो हमें बताता है कि शकुनी बुरा नहीं था, बल्कि हम में से कोई भी उसकी जगह होता तो शायद यही करता कौरवों के वंश को मिटाने के लिए। तो कहानी शुरू होती है गांधार से, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस समय गांधार में राजा सुबल का शासन था, जो कि शकुनी और गांधारी के पिता थे। राजा सुबल के सब पुत्र थे और एक पुत्री। शकुनी सभी भाइयों में सबसे छोटा था। एक दिन राजा सुबल को पता चला कि उनकी पुत्री मांगलिक है। मंगल दोष होने के कारण उसका पहला पति जीवित नहीं रह पाएगा। राजा सुबल इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। गांधारी बहुत सुंदर राजकुमारी होती है और बचपन से ही उसे पिता का और भाइयों का खूब प्यार मिला होता है। सुबल अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करवा के उसका बलिदान दे देते हैं। ये सोचकर कि ऐसा करने से गांधारी का दूसरा पति जीवित रहेगा और वो एक खुशहाल शादीशुदा जीवन व्यतीत करेगी। बाद में गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से होता है, जो कि नेत्रहीन होते हैं। गांधारी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, खासकर अपनी खूबसूरत आंखों के लिए। विवाह के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी आंखों पे पट्टी बांध कर रखती है, ताकि वो ये दुनिया अपने पति की नजरों से देख सके। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चलता है। धृतराष्ट्र को लगता है कि गांधारी के पहले विवाह के बारे में न बताकर उनके साथ धोखा किया गया है, और वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते और राजा सुबल और उनके सब पुत्रों को बंदी बना लेते हैं, और ये सजा देते हैं कि राजा सुबल और उनके परिवार को हर दिन केवल एक मुट्ठी चावल ही मिलेगा, यह सोचकर कि सुबल और उनके सब पुत्र भूख से ही मर जाएंगे। राजा सुबल समझ जाते हैं कि एक मुट्ठी चावल से 101 लोगों की भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन एक मुट्ठी चावल किसी एक व्यक्ति को तो जीवित रख ही सकता है, लेकिन वो कौन होगा? ये पता लगाने के लिए अपने पुत्रों की एक परीक्षा लेते हैं। वो एक हड्डी लेते हैं और एक एक करके अपने पुत्रों से उस हड्डी में धागा आर पार करने के लिए कहते हैं। सभी पुत्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं, सिर्फ एक पुत्र को छोड़ के, सुबल के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार शकुनी। जब राजकुमार शकुनी की बारी आती है तो वो धागे के एक सिरे पे चावल रख देते हैं और दूसरे सिरे पे चींटियां, जो हड्डी से होते हुए गुजरती हैं और धागे को हड्डी के दूसरे सिरे पर ले जाती हैं, और इस वजह से हर दिन शकुनी को चावल दिया जाता था और उसे अपने भाइयों को एक एक करके मरते हुए देखना पड़ा था। राजा सुबल की जब मृत्यु होने वाली थी तो वो धृतराष्ट्र से प्रार्थना करते हैं कि राजकुमार शकुनी को छोड़ दे, और धृतराष्ट्र ऐसा करते भी हैं। ये कहा जाता है कि शकुनी के पिता ने ही शकुनी की टांग पे मार के उसे लंगड़ा बना दिया था। राजा सुबल द्वारा ऐसा इसलिए किया गया ताकि शकुनी जब भी चले तो उसे हर कदम पे अपनी जिंदगी का लक्ष्य याद रहे। यह भी कहा जाता है कि सुबल को काले जादू का ज्ञान था और उन्होंने शकुनी को अपनी हड्डियों से पासा बनाने को कहा था, जो हमेशा शकुनी की बात माने। सुबल के सब पुत्र थे और एक पुत्री, और कुछ सालों के बाद ठीक उसी तरह धृतराष्ट्र के भी सब पुत्र हुए, जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था और एक पुत्री दुशाला भी थी। शकुनी निश्चय करता है कि धृतराष्ट्र का एक भी पुत्र जीवित नहीं बचेगा, और अंत में हम सबको पता है कि क्या होता है। धृतराष्ट्र का एक भी पुत्र जीवित नहीं बचता, यहाँ तक कि दुशाला का पति भी महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। शकुनी ने जो घोर अपराध किए वो बदले नहीं जा सकते। पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश करना, द्रौपदी के चिरहरण की योजना बनाना, अभिमन्यु का वध करना और ऐसे बहुत से अपराध, लेकिन क्या वो बुरा था? यदि आप शकुनी की जगह होते तो क्या करते? अपने परिवार की इतनी क्रूर हत्या होते हुए देखते तो आप क्या करते? ऐसा कहा जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिला था, क्योंकि वह हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़ा था। शायद यही कारण है कि भारत के केरल में कोल्लम नाम की जगह पर शकुनी नाम का मंदिर भी है। दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।